और अब बात मौसम की। देश में गर्मी इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। आज आखिरी चरण के मतदान के दौरान गर्मी के चलते लोगों की तबीयत खराब होने की भी खबरें सामने आई। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी खबर। बिहार के आरा में भीषण गर्मी के बीच वोट डालने पहुंचा ये बुजुर्ग शख्स गश्त खाकर गिर गया, जिसमें इनके सिर में चोट लगी है। ये लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आनंद फानन में मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। आरा में ही चुनावी ड्यूटी के दौरान एक दरोगा हीट वेव की चपेट में आकर बीमार हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। एक दिन पहले ही यूपी के मिर्जापुर में आखिरी चरण का मतदान संपन्न कराने आए 6 होमगार्ड जवानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 21 से ज्यादा होमगार्ड अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं ओडिशा के झारसुगुड़ा में पिछले 3 दिनों में 10 लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत की खबर है। मरने वालों में 7 ट्रक ड्राइवर हैं। ओडिशा पुलिस ने जनता से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। सभी को कहा गया है कि 11 से 3 के बीच में कोई एक्टिविटीज ना रहे। हमने एडवाइजरीज भी ऑलरेडी जारी करी थी। भीषण गर्मी के बीच बीएसएफ की महिला जवान मुस्तैदी से सरहद की सुरक्षा में तैनात है। देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें भारत पाकिस्तान बॉर्डर की है, जहां सांबा सेक्टर में बीएसएफ की जांबाज महिला जवान मुस्तैदी से बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात है। जम्मू कश्मीर में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी में भी महिला जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी बॉर्डर की निगरानी कर रही है। ये इलाका बेहद संवेदनशील है, जहां से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देता रहा। बीएसएफ की ये महिला कमांडोज इस भीषण गर्मी में किस तरीके से हमारी सरहदों की सुरक्षा में लगी हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरण ये महिला कमांडोज लिए किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसे में यहाँ पर आप देखिए कि चुनौतियाँ भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमेशा से ही बनी रहती हैं।